गणपति जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए उनके लिए भोग बनाएंगे और वो भी उनके फेवरेट मोदक। तो मोदक जो आज हम बना रहे हैं वो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज हम मोदक बना रहे हैं वो बिस्किट्स से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैक्विटीज़ के आटा बिस्किट्स लिए हैं, आप चाहे कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बिस्किट्स का एकदम पाउडर बना लेंगे, एकदम इसको तोड़ लेंगे। तो चलिए अब हम इसे जार में डालकर अच्छे से इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिस्किट्स का मैंने पाउडर बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन बिस्किट्स में अब मैं ये थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, 2 चम्मच मिल्क पाउडर के डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने दूध लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा दूध लिया है, और अब हम चम्मच से इसके अंदर दूध डालेंगे। पहले मैं 2 चम्मच दूध के डाल रही हूँ और इसको हम मिक्स कर लेंगे। एकदम से बहुत सारा दूध ना डालें, चम्मच से ही धीरे धीरे करके इसमें दूध डालें। अब मैं 1 चम्मच दूध का और डाल रही हूँ, थोड़ा सा और, चम्मच मैं इसमें से निकाल देती हूँ और इसको हाथों से ही अच्छे से मिक्स करते हैं। ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और इसका एक डो तैयार कर लें, बिल्कुल आटे की तरह। तो ये देखिए, ये डो जो है वो एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये मैंने मोदक मोल्ड लिया है, ये देखिए, ये मार्केट से आसानी से मिल जाता है। हम क्या करेंगे, इसमें से पिन निकाल देंगे और ये देखिए ऐसे ये खुल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको इसमें अच्छे से दबा देंगे। अच्छे से इसको फिल कर दें एक बार और फिर इसको बंद कर दें और जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल दें और नीचे से भी अच्छे से इसको प्रेस कर लें। पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बड़े अच्छे से बंद हो गया है। जो सारा एक्स्ट्रा है वो निकाल दें। अब चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए, ये आपका मोदक बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मोदक बनाने का ये सांचा अगर आपको नहीं मिलता है तो हम इस मोदक को हाथों से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसको अच्छे से गोल कर लें। गोल करने के बाद उसे हल्का सा आगे से थोड़ा उसको इस शेप में दें और ये देखिए, और उसके बाद क्या करें, एक फोक लें और उसकी हेल्प से यहाँ पर ऐसे निशान बना दीजिए। तो ये देखिए, ऊपर से फिर से इसको हल्का सा प्रेस कर दें। तो ये देखिए, ये हमारा मोदक जो है वो बनकर एकदम तैयार है। तो ऐसे ही हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सिंपल वाले मोदक तो हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास बैटर बच गया है, मैंने इसको बचा लिया है और अब हम इससे बनाएंगे चॉकलेट वाले मोदक। तो अब इसी में डाल रही हूँ ये चॉकलेट पाउडर।
और साथ ही में मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ हर्षी सिरप। आप चॉकलेट मेल्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये सारा मटेरियल जो है उसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए ये चॉकलेट वाला बैटर भी हमारा एकदम रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे ही सेम पोर्शन थोड़ा सा लेंगे इसमें से और ये मोदक मोल्ड में डाल देंगे इसको अच्छे से, और इसको हम अच्छे से अब बंद कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। अब हम इसको खोल लेंगे। तो ये देखिए ये चॉकलेट वाला मोदक भी हमारा एकदम रेडी है। तो ऐसे ही हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे मोदक जो है वो बनकर एकदम रेडी हैं। बहुत ही जल्दी बनते हैं ये मोदक। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल का पाउडर। तो ये देखिए ये हमारे मोदक जो है वो बनकर एकदम रेडी हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी बनते हैं। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।